दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ गई है नीट 2024 के लिए। नीट 2024 का एग्जाम डेट आ गया है और इसके साथ साथ कुछ हिंट्स भी आ गए हैं और आपको कितने महीने अभी बचे हुए एग्जामिनेशंस में वो भी डेट आ गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह हर चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और बहुत बड़ी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, अब आपको तैयारी करने में मन लगेगा, प्रिपरेशंस करने में मन लगेगा और आप अपना टारगेट और रूटीन सही से सेट कर पाएंगे कि आपको कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे तैयारी करना है, कैसे प्रिपरेशंस करना है, कितने दिन में कौन से सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने बोटनी का, कितने जूलॉजी का, कितने केमिस्ट्री का, कितने फिजिक्स का, कितने चैप्टर, कितने महीने में टारगेट लेके चलना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैंने आपको कुछ देर पहले ही मैंने आपको जेईई मेंस का एग्जाम डेट बताया था, नीट का भी, सीयूटी यूजी का भी, लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो मैं सोचा चलिए कमेंट का भी रिप्लाई देता हूं। देखिए जेईई मेंस का जो एग्जाम है, जो सेशन वन सेशन टू का है, वो जनवरी थर्ड वीक में सेशन वन का है और अप्रैल सेकेंड वीक में सेशन टू का है। और जनवरी तो बिल्कुल पास ही में है, यानी तीन महीने के बाद जनवरी आने वाला है। तो फॉर्म एक या दो वीक के अंदर जेईई मेंस का निकलने वाला है, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को 20 से 25 दिन मिलेगा फॉर्म भरने में। उसी तरह नीट 2024 का भी एकदम सेम पैटर्न देखें तो 5 मई को डेट फिक्स होने जा रहा है। ये सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया के और देश के अन्य अखबारों ने इसको प्रकाशित किया है, बट जो ऑफिशियल एनटीए का जो नोटिस है, पब्लिक नोटिस, वो कुछ ही दिनों में, एक दो दिन, चार दिन में या विद इन वीक में आने वाली है। और इससे ये पता चलेगा एग्जाम कैलेंडर जो है 2024 से 25 का, उसमें पूरे डिटेल दिए रहेंगे कि कौन सा एग्जाम कब होगा। लेकिन नीट 2024 के स्पेशली ये वीडियो है, तो 5 मई को आप लोग कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, आप लोगों का एग्जाम होने ही वाला है। तो आपका एग्जाम होने वाला है तो मई 5 को अगर होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने आप 2024 में है, 3 महीने इस साल में है, यानी टोटल मिला के 7 महीने है आपके एग्जाम में। फॉर्म कब निकलेगा, तो जनरली 3 महीने पहले फॉर्म निकलता है, तो फरवरी के आसपास आपका फॉर्म निकलेगा। हो सकता है जनवरी में निकल जाए, लेकिन फरवरी में ज्यादा चांस है क्योंकि जनवरी में जेईई मेन का एग्जाम होगा, उसके बाद नीट का फॉर्म निकल जाएगा फरवरी में। तो फरवरी में, ये मेरा आकलन है, मेरा एनालिसिस है, मेरा फोरकास्ट है और मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ और स्पेकुलेट कर पा रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ कि आपका फॉर्म फरवरी में निकलेगा, एग्जामिनेशंस 5 मई का होगा, पहला संडे होगा मई का, फर्स्ट वीक का, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। अब आप अगर नीट के अलावा सीयूटी यूजी पीजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो सीयूटी यूजी का जो फॉर्म है वो आप समझ लीजिए कि फरवरी के आसपास ही आएगा, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में सीयूटी यूजी का भी एग्जाम होने वाला है। सीयूटी पीजी का पोस्टपोन्ड हो सकता है या आसपास आप कह सकते हैं कि एक महीना आगे होगा, यानी पीजी का जून में होगा, तो इसका जो मार्च के आसपास फॉर्म निकलेगा पीजी का। तो पहले, सबसे पहले जेईई मेंस का एक दो वीक में फॉर्म निकलने वाला है, उसके बाद नीट का 2024 फरवरी में निकलेगा और उसी फरवरी में सीयूटी यूजी का भी निकलेगा, क्योंकि नीट का और सीयूटी के एग्जाम दोनों का मई में होगा और फर्स्ट वीक में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सुन के, देख के आपको अच्छा लगा होगा कि आपको प्रिपरेशंस के लिए कितने महीने बचे हुए हैं और इस बचे हुए महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, नीट का मोटिवेशन मिलेगा कि कितने समय हैं, इससे आपको एक एनर्जी आएगी, आपको मन करने लगेगा तैयारी करने में। तो ऐसा वीडियो मोटिवेशन वाला देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इंसान बोर होता है, कितना घंटा पढ़ेगा कोई, तो 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखने से मोटिवेशन होता है, क्योंकि आप अच्छे से एग्जाम को फोड़ पाएंगे, अच्छा रैंक ले पाएंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज, एम्स या जो भी आप मन चाहेंगे कॉलेज और स्टेट, तो आपको मिलने में आसानी होगी। जितना पहले से तैयारी कीजिएगा उतना ज़्यादा चांस है अच्छा रैंक आने का। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे वीडियोज़ आप देखे होंगे, ये वीडियोज़ बिल्कुल यूनिक होगी और आने वाले समय में जामिया में भी मेडिकल कॉलेज बनने वाला, तो सीटें और बढ़ने वाली है, तो सीटें बढ़ेगी तो आपका एडमिशन आसान होगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिएगा कि उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी तैयारी करने में चार चांद लगाए, जी जान लगाए, अच्छा रैंक लाए और मेडिकल कॉलेज पाएं। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।